यदि आपकी सुरम्य में शांत और सुंदर स्थल देखने की भ्रमण करने की इच्छा है तो आप पौंडिचेरी जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसे आज पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। पुडुचेरी एक फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी, इसलिए इसे फ्रेंच कॉलोनी भी कहा जाता है। अब मैं आपको यहाँ के स्थानों की सैर कराती हूँ। यह है गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ आस्था और विश्वास देखने को मिलता है। लोग लाइन लगाकर, कतारें लगाकर भगवान के दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। और मंदिर के बाहर श्री गजानन महाराज, गणेश जी महाराज लोगों को आशीर्वाद देते हैं। लोग श्रद्धा के साथ उन्हें दक्षिणा देते हैं। गजानन महाराज अपनी सूंड से वो दक्षिणा देते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। आपको खुशी होती है कि गणेश जी ने आपको स्वयं आशीर्वाद दिया है। दर्शकों की आस्था देखते ही बनती है। दूर से ही फूलों की पूजा की सामग्री दुकानें देखी जा सकती हैं और यहाँ गणेश जी के दर्शन किए जा सकते हैं। मंदिर भी बहुत भव्य और सुंदर है। दूसरे स्थान की सैर कराती हूँ। यह है पुडुचेरी का प्रसिद्ध ओरोवेली। वैसे तो ये एक संस्थान है जो एक विश्व में अनोखा एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें लोग शांति की तलाश में वहाँ जाते हैं। सामान्य दर्शक व्यूइंग पॉइंट से इसको देख सकते हैं। इसका नाम है मातृ मंदिर। है तो ये मंदिर, लेकिन वास्तव में ये मंदिर नहीं है। इतना खूबसूरत नजारा देखकर आपको लगेगा कि यहीं रह जाएं, इसको निहारते रहें, देखते रहें। इसको देखकर आपको अच्छा लगेगा। अगर आप भीतर से इसे देखना चाहते हैं तो एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है और वहाँ जाकर के अपना नाम देना होता है। फिर अगले दिन या एक दो दिन बाद आप वहाँ जाकर भीतर से भी इसको देख सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। ये है यहाँ का हनुमान मंदिर, प्रसिद्ध हनुमान मंदिर, जिसमें प्रतिमा काले रंग की विशाल काले प्रतिमा है। उत्तर भारत में तो हम सामान्य रूप से ऑरेंज कलर की, नारंगी रंग की हनुमान जी की प्रतिमा देखते हैं, लेकिन ये काली प्रतिमा है और यहाँ लोगों की आस्था देखते ही बनती है। मातृ मंदिर के पास एक विशाल काय वृक्ष है। ये वृक्ष बड़ा और सुंदर है। जड़े एक स्थान से बढ़कर दूर दूर तक उसकी शाखाएं फैलती चली जाती हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ से मिलती हुई शाखाएं इतनी अधिक विशाल काय स्थल में फैल गई है कि आपको यकीन ही नहीं होता इतना बड़ा वृक्ष हो सकता है। बड़े पेड़ के नीचे 1.5 से 2 हजार लोग खड़े हो सकते हैं। लोगों को उसके नीचे खड़े होने में बहुत आनंद आता है। जब भी मातृ मंदिर जाएं, तब इस विशाल वृक्ष को देखना ना भूलें। पुडुचेरी का एक प्रमुख आकर्षण है अरविंद आश्रम। ये आश्रम बहुत प्रसिद्ध है, शांति का प्रतीक है, लेकिन इसके अंदर आप किसी तरह की फोटोग्राफी नहीं कर सकते, मोबाइल भी तो लेकर नहीं जा सकते या मोबाइल को बंद करके जाना होता है, ताकि आप शांतिपूर्वक दर्शन कर सके, अंदर का भाव देख सके। बड़ी बड़ी कतारों में लगकर आप वहाँ पहुँचते हैं और शांतिपूर्वक अरविंद आश्रम के दर्शन करते हैं। पुडुचेरी यानी कि पौंडिचेरी एक सुंदर सुरम्य स्थल है। यहाँ का पैराडाइज बीच अपने आप में आनंद के लिए बहुत अच्छी जगह है। आप पानी के साथ, लहरों के साथ खेलियां कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। Are you fond of traveling? Want to travel the whole world? Want to travel whole India? But how? Come on, travel with me. I will show you attractions, adventures, everything. You can search any city in our channel. Subscribe Fun Zone and let us travel together.